दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ा है जिसकी उम्र 77 साल है। इतनी ज्यादा उम्र का यह आरोपी 127 मामलों में वांटेड है और हैरानी की बात यह है कि वकालत कर चुका धनी राम मित्तल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी है और इसी के दम पर इसने झज्जर कोर्ट में 2 महीने फर्जी जज बनकर 2500 से ज्यादा आरोपियों को जमानत दे डाली। आपने अब तक नकली पुलिस बनकर ठगी करने के बारे में सुना होगा, नकली बैंक वाला, नकली बाबा और भी कई तरह के ठगों के बारे में सुना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जिसने नकली जज बनकर 2500 से ज्यादा आरोपियों को जमानत देने का कारनामा कर दिखाया। कैमरे से मुंह छिपाता ये है धनीराम मित्तल, जिसकी 77 साल की उम्र इसके कारनामों से भले ही मेल ना खाती हो, लेकिन इसकी करतूतों ने पूरे हरियाणा समेत चंडीगढ़ पुलिस की भी नींद उड़ा रखी थी। धनीराम पर आरोप है कि ये बार बार नकली साइन कर ठगी की अलग अलग वारदात को अंजाम दे चुका है, जिसमें सबसे बड़ी वारदात है झज्जर कोर्ट में 2 महीने तक फर्जी जज बनकर 2740 आरोपियों को जमानत देना। इसी बीच में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बहुत ही शातिर ऑटो लिफ्टर और बहुत ही बुजुर्ग या एक तरीके से इस क्राइम की जो दुनिया में नटवर लाल के नाम से मशहूर शातिर अपराधी और एक केस में हरियाणा के केस में भगोड़ा है। धनीराम मित्तल काफी पढ़ा लिखा भी है, वकालत की डिग्री के साथ इसके पास हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होने का भी सर्टिफिकेट है। अपनी इसी काबिलियत का फायदा धनीराम ने अपनी वारदात को अंजाम देने में उठाया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि धनीराम सिर्फ कहने को सीनियर सिटीजन नहीं है, बल्कि अपराध की दुनिया में भी वो सीनियर सिटीजन ही है। धनीराम कोई 2-4 सालों से नहीं बल्कि पिछले 52 सालों से ठगी कर रहा है। इस पर पहली बार 1964 में मामला दर्ज हुआ था। तब से लेकर अब तक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में ठगी चोरी के 127 मामलों में धनीराम वांटेड है। धनीराम मित्तल को एक बार टाडा के तहत भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले करीब 50 साल से ये अपराध की दुनिया में है, ज़्यादातर चोरी, चीटिंग और इसी तरीके से जो ऑटो लिफ्टिंग का कार्य करते आ रहे हैं। ये कई बार जेल जा चुके हैं, अभी तक लगभग इनके खिलाफ 127 के आसपास केसेस जो हैं दर्ज हुए थे। चंडीगढ़ पुलिस को धनीराम की एक कार चोरी मामले में पिछले 8 साल से तलाश थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। बताया जा रहा है कि धनीराम सिर्फ अपने शौक के लिए गाड़ियां चोरी करता है, उन्हें कुछ समय इस्तेमाल करता है और फिर उसे बेच देता है। कुमार अभिषेक, इंडिया टीवी, दिल्ली।